नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बारे में, जो कि आज अनाउंस हो चुके हैं। तो ये हमारे सामने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं। तो ये नंबर्स, जितने भी फिगर्स आपको दिख रहे हैं करोड़ में, तो सबसे पहले इनकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। तो 7,586 इनका अभी रेवेन्यू आया है जून क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में था 6,759 और लास्ट ईयर जून क्वार्टर में था 4,785। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमको दिख रही है, क्यू ऑन क्यू भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमको यहाँ पे दिख रही है। अब इनके नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो 1,017 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 899 करोड़ का और लास्ट ईयर था वो 594 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल तो नहीं बोलेंगे, 80-90% की ग्रोथ हमको यहाँ पे दिख रही है और क्यू ऑन क्यू भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। तो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है, तो ईपीएस में भी हमको ग्रोथ दिख रही है। लास्ट ईयर जून क्वार्टर में था 6.21 अर्निंग पर शेयर, अभी है 10.61, तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी हम इनके देखे जिस वो ऊपर जो हमने फाइनेंशियल्स देखे थे वो स्टैंड अलोन बिजनेस के थे, अब कंसोलिडेटेड सेल्स इनकी 50% अप है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 80% अप है, सेल्स में 50% इंक्रीज हुआ है लेकिन नेट प्रॉफिट 80% ग्रोथ हुई है, तो मार्जिन इनके काफ़ी बड़े हैं। वहीं स्टैंड अलोन बिजनेस की तो हमने ऊपर बात की थी, 49% ईयर ऑन ईयर हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट में 70% की ग्रोथ हमको यहाँ पे दिख रही है। तो और भी ऐसी फाइनेंशियल रिजल्ट्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।